रश्मि चौधरी की जिंदगी से जुड़े सभी लोग अब संदेह की रडार में हैं, जहां उसके अतीत, उसके वर्तमान सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और हर व्यक्ति की तहकीकात में जुर्म करने का एक मुमकिन कारण सामने आने वाला था। इनमें से ऐसा कौन था जो रश्मि के गायब होने का कारण था? क्या ये मर्डर था, किडनैपिंग थी या फिर कुछ और? विक्रम सहगल, रश्मि मेरी क्लाइंट है, मैं उसके साथ कुछ गलत करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे उंगली उठाने की? आशुतोष, मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने पुलिस के पूछने पे उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि तुमने रश्मि को जयदेव जी के 20 के अगेंस्ट 25 पर सेटल होने की सलाह दी थी और मैंने उसे 45 दिलवाए। और एक काम मैंने खुद नहीं किया है, मुझे जयदेव जी ने रिक्वेस्ट किया था रश्मि से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए, इसीलिए मैंने उसे बात की थी। अरे जयदेव जी ने 45 कैश तुम्हारे हाथ में दिए ना, तुमने दिया रश्मि को या उसे गायब करके सारा कैश खुद ही रख लिया? वाह, मेरे एक स्टेटमेंट से तुम्हें पुलिस ने इंक्वायरी के लिए क्या बुला लिया, तुम मुझे ही मुजरिम साबित कर रहे हो। देखो, शुरुआत तुमने की है, ताली एक हाथ से बजती है क्या? निखिल, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, बाहर जाओ और सेट पे कह दो कि निखिल सर को आने में थोड़ा टाइम जाएगा। वो लखनऊ पुलिस से मुझे कॉल आया था। लखनऊ पुलिस ने तुमको फोन क्यों किया? क्या पूछ क्या रहे थे? यही कि तुम्हारा और निखिल आचार्य का क्या रिश्ता है, क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो, क्या निखिल रश्मि का जिक्र करता है? तुम्हें पता है कि रश्मि कहाँ गायब हुई है? उनको दिमाग खराब हो गया है क्या? रश्मि के गायब होने से तुम्हारा क्या कनेक्शन? तुम्हारा है गायत्री। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम्हारा हाथ है रश्मि को गायब करने में। तुम ये बोल भी कैसे सकती हो गायत्री? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? निखिल, प्यार अपनी जगह में है, पर इन सब में मेरा नाम आया, जानते हो इसका मतलब क्या है? मेरे पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछेंगे, माय फैंस, मीडिया, सब यही कहेगा कि हाईएस्ट टीआरपी शो बेजुबा की मेन हीरोइन गायत्री एक मर्डर एक्यूज्ड निखिल आचार्य से शादी। एक मिनट, मर्डर एक्यूज्ड? मिसिंग से मर्डर एक्यूज्ड? दिमाग खराब हो गया उनका? तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? रश्मि ने तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, जिसके चलते तुम्हें डाइवोर्स नहीं मिल रहा और उसकी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पा रही। तो ये रीजन लग रहा है पुलिस को? सच बताओ कि रीजन क्या है? पुलिस मुझे हिंट दिए जा रही है कि रश्मि को रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने लाइफ को कोई क्राइम शो या थ्रिलर फिल्म समझ रखा है क्या? परफेक्ट मर्डर, अ मिस्ट्री। ये स्क्रिप्ट आशीष ने तुम्हें ऑफर की? हाँ, की तो? तो ये कि पुलिस मुझे कह रही थी कि रश्मि के केस की कहानी और वो स्क्रिप्ट बहुत मैच करती है जो तुम्हें ऑफर हुई है। ये क्या कर रहे हो तुम आशीष के साथ? हाँ, निखिल, पुलिस ने मेरी परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री वाली स्क्रिप्ट मेल करने को कहा है। और कुछ पूछा? नहीं, पहले मुझे ये बता कि तूने किया क्या है। अरे क्या करूंगा मैं यार, अपनी वाइफ को गायब करवाऊंगा, मार डालूंगा उसे। मुझसे पूछ रहा है या मुझे बता रहा है तू? सोच रहा हूँ आशीष, एक मशहूर कहावत है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो तुम्हें उसे दिलाने में पूरी कायनात साजिश करती है। अपनी डायलॉग बाजी अपने पास रख तू, मुझे तो ये बता कि तू कौन से साजिश में इन्वॉल्व है, सच बोल। तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है जो साबित कर सके कि एक्स कॉर्पोरेटर लक्ष्मण व्यास का हाथ हो सकता है रश्मि चौधरी मिसिंग केस में? सर, कोई पक्का सबूत तो नहीं, पर रश्मि ने अपने बॉस विक्रम को एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी बड़े ऑपरेशन पर, और सर लक्ष्मण व्यास काफी बड़ा है। हम दोनों को मुसीबत में डाल सके जितना बड़ा है। सर, हम उस पर कोई उंगली तो नहीं उठा रहे, हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि एनजीओ के पेन ड्राइव में ऐसा क्या जिन्हें हासिल करने के लिए उसने अपने आदमियों से उनकी चोरी करवाई। एनजीओ के सारे पेन ड्राइव सिर्फ रश्मि के तो नहीं थे। तुम एक काम करो, एनजीओ के मालिक विक्रम को गर्मी दो, कुछ निकल आएगा। कोई फायदा नहीं, माजरा रश्मि को लेकर ही, और सर वो रश्मि की छोटी बहन खुशबू, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह यही कह रही है कि रश्मि का गायब होना एक साजिश है। सर, उंगली हम पर भी उठ रही है। ये रश्मि कोई दूत की धुली तो नहीं थी? बिल्कुल सर, लेकिन गायब, अब पूरे चांसेस है कि मारी गई। हमें लक्ष्मण को ऐसे पूछताछ के लिए लेना है मानो इनफॉर्मल सी बात हो रही हो, एकदम आराम से राकेश, और तुम डायरेक्टली कुछ मत करना, मैं बात करता हूँ लक्ष्मण से, तुम बाकी संदिग्धों पर जोर लगाओ। Yes, sir.
आंचल मैं आज ऑफ ले रही हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, सॉरी। दीदी, एक तो आप अकेले रहती हो, ऊपर से ये पंगे लेती रहती हो। 2 साल पहले तक मुझे तेरी फिक्र रहती, अकेले मुंबई में कैसे होगा, और अब तू? दीदी, मैं मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती हूँ, सर्विस सेक्टर, और आपका एनजीओ लोगों पे रेड करता है, पता नहीं कितने दुश्मन बन गए होंगे। होता है यार, ये काम ही कुछ ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहती थी कि ये जो जयदेव है वो सब अपना अपना फायदा देखते हैं। खुशबू, लाइफ में बहुत ज्यादा आदर्शवादी बनो ना तो लाइफ आगे बढ़ती नहीं है। कड़वा सच तो ये है कि तुम्हें कोई तुम्हारी ईमानदारी और वैल्यूज के लिए पे नहीं करता है, तुम्हें वही पेमेंट मिलती है जो तुम डिजर्व करते हो, और तुम क्या डिजर्व करते हो सिर्फ तुम डिसाइड करते हो। एक सोशल वर्कर से ऐसी बातें सुनना, गलत फहमी है लोगों को सोशल वर्क के बारे में। ये भी एक करियर है, प्रोफेशन है, हम कोई संत महात्मा नहीं है कि फल फ्रूट खा के जिंदगी बिता देंगे, हमें भी अपनी दाल मखनी चाहिए। तो लो ना, जयदेव अंकल जो ऑफर दे रहे हैं वो ले लो, कोई बुरी रकम नहीं है, 20 लाख। बुरी नहीं है से काम नहीं चलता खुशबू, रकम अच्छी होनी चाहिए, और 1 करोड़ बहुत अच्छी रकम। इतने पैसों का क्या करोगी? हम दोनों US और यूरोप घूमाएंगे, फिर इस पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 करोड़ बनाएंगे, क्वीन साइज लाइफ बिताएंगे यार। आपकी इज्जत की वजह से आपको कुछ हो गया ना तो? कुछ नहीं होगा खुशबू, तू डर मत। ये जयदेव जी भी ना बेकार में इतने लालची बन रहे, पता उन्हें पूरा 60 करोड़ मिल रहे हैं और उसमें से 1 करोड़ मांग रही, उसमें भी इतना झिकझिक कर। वैसे दीदी, झिकझिक तो आप भी कर रही हैं अपने डिवोर्स वाले केस में, छोड़ दो ना निखिल को, क्यों खींच रही हो? नहीं खुशबू, ये जो लोग कहते हैं ना मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, पिछला सब कुछ भुला दो वगैरह वगैरह, ये सारी अच्छी अच्छी बातें तब काम नहीं करती हैं जब आपके साथ भयंकर चीटिंग की गई हो, जो निखिल ने मेरे साथ की, उससे तो मैं सूद समेत वसूली करूंगी। ये अच्छी बातें और कहावतें सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड्स, फॉरवर्ड्स और ऑफिस के सॉफ्ट बोर्ड पर जचती हैं, असली जिंदगी में नहीं खुशबू, याद रख। रश्मि कोई आसानी से मानने वालों में से नहीं है, आसान नहीं है उसके साथ डील करना। अगर मैं 25 की जगह 75 में भी समझौता करा था तब भी वो हाँ नहीं करती। पर वो तो 45 में मान गई। ऐसा आपसे जयदेव जी और विक्रम ने कहा ना, खुद रश्मि ने तो नहीं कहा। तो जयदेव जी और विक्रम झूठ बोले? ये तो आप पता कीजिए सर, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि रश्मि के दोनों केसेस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, एक जयदेव जी के खिलाफ, दूसरा उसके पति के खिलाफ, दोनों केस रगड़ रहे हैं। मैंने समझौते की सलाह दी लेकिन रश्मि मानने कोई तैयार नहीं है। मेरे लिए तो सही है, मुझे तो दोनों केसेस की फीस मिलती रहेगी। फिर भी मैंने बड़ी ईमानदारी से उससे बात की थी। निखिल वाले केस की हियरिंग अगले महीने की 4 तारीख को है, जयदेव जी वाले केस की हियरिंग जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रश्मि, जयदेव जी 25 के आगे मानेंगे नहीं। आप मेरी तरफ हो या जयदेव जी? खुद के वकील पर भरोसा नहीं है तुम्हें? तो फिर बार बार मुझे जयदेव जी के बेकार से ऑफर को कबूल करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वैसे ही निखिल के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कह रहे हैं, क्यों? इसमें आपका क्या फायदा है? मेरा फायदा? रश्मि, अगर दोनों केसेस सेटल हो जाते हैं तो मेरे हाथ से 2 केसेस जाएंगे भी तो सही, मतलब 2 केसेस की फीस जो तुम मुझे बराबर देती आई हो। वैसे वो जयदेव जी कितना दे रहे हैं आपको मुझे 25 में मनवाने के लिए? मैं सिर्फ तुमसे फीस ले रहा हूँ रश्मि, क्या क्या सोचती रहती हो तुम। इतना भी याद रखो कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों केसेस में आज तक कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है पता है? कोर्ट जयदेव जी से कहेगा कि रश्मि के लिए दूसरा किराए का मकान ढूंढो, 1 साल 2 साल 3 साल का किराया दे दो, और तुम्हें अब भी मकान खाली करने के लिए कहेगा। मैं 1 करोड़ के नीचे कुछ भी नहीं लेने वाली। अरे ऐसी जिद से कोई बात सेटल होगी ही नहीं, और निखिल वाले केस में भी वही रवैया तुम्हारा। निखिल कितना दे रहा है आपको? देखो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही, फिर भी याद रखो मैं तुम्हारा वकील हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगा। तो फिर बार बार मुझे किसी भी चीज पे समझौता करने के लिए मत कहो, जयदेव जी से 1 करोड़ रुपए निकलवाओ और उस निखिल को जेल भेजवाओ। इसके बाद जब जयदेव जी और विक्रम ने कहा कि वो 45 में मान गई है, तुम्हें यकीन नहीं कर पाया सर, मतलब कैसे करता? तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जब रश्मि से बात नहीं हुई सिर्फ उसने एक ईमेल भेजा कि जयदेव भल्ला के खिलाफ केस वापस ले लो। सर किस बात की कंप्लेंट करता, वो मेरी क्लाइंट है, उसकी मर्जी, उसकी बात तो मुझे माननी पड़ती। बात तो तुम्हारी हुई नहीं, ना वो तुमसे मिली ना फोन किया, सिर्फ एक ईमेल भेजा। सर सच कहूं तो उस वक्त मुझे लगा ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, मुझे लगा कि विक्रम ने मना लिया होगा रश्मि को।
वो तो बाद में जब उसकी बहन ने शिकायत की तब जाके पता चला कि रश्मि ने अपनी बहन को ही 45 लाख की डील के बारे में नहीं बताया और ना ही उस खुफिया मिशन के बारे में। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या उसका मर्डर हुआ? वकील मैं हूं सर, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। हम भी जज नहीं, जब तक सबूत सामने नहीं होगा हम कैसे कुछ कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से कुछ कह पाए, लेकिन इतना बता दूं कि आप अपनी संदिग्ध की लिस्ट से मुझे निकाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लालची हो गया और मैंने पैसों के चक्कर में अपने क्लाइंट को कुछ कर दिया है तो आपको गलत लग रहा है। मुझे इस पूरे समझौते का 10% मिलने वाला था और मैं उतने पैसे से खुश था। ये तो तुम कह रहे हो, अब वाकई में खुश थे या नहीं थे ये बताने के लिए इस वक्त रश्मि तो यहाँ नहीं है। तो आप ढूंढिए रश्मि को। यह आशुतोष राय बहुत ही छोटे लेवल का वकील है, छोटे मोटे क्रिमिनल के बेल केसेस, ट्रैफिक वाले केसेस, ऐसे ही केसेस आते हैं इसके पास। छोटा सा ऑफिस है वो भी किराए का, खुद का ऑफिस भी नहीं है उसके पास, लेकिन बड़े बड़े अरमान है इस वकील के। पिछले 10 साल से है मैदान में, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस लेना चाहता है, लेकिन कोई उसे केस देता ही नहीं है। तो रश्मि को इस वकील में ऐसा क्या दिखा? रश्मि के डोमेस्टिक वायलेंस केस में ऐसा क्या था? और ये सेटलमेंट? सेटलमेंट 10% बोल रहा है, मतलब 25 लाख पे 2.5 लाख। अब उसके लिए तो जैकपॉट ही होगा ना। जयदेव और विक्रम बोल रहे हैं कि 45 लाख थी, तो जैकपॉट डबल। सर, लक्ष्मण मियाज के ऑफिस से कॉल था, मिलकर बात करने की परमिशन दी है। गुड, उन पेनड्राइव में क्या था कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं साहब, लेकिन पक्का कोई एटम बम होगा जो इस लक्ष्मण पे फटने वाला था। हो सकता है रश्मि चौधरी से ब्लैकमेल कर रही। अजीब शख्सियत, एक तरफ समाज सेवा दूसरी तरफ मेवा। रश्मि चौधरी को गायब हुए अब पूरा 1 महीना बीत चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम अब यही मानकर चल रही थी कि वो अपने हालात की विक्टिम थी, जिसमें कई लोग थे जिन्हें रश्मि की गैर मौजूदगी से फायदा हो सकता था। और अब एक नए एंगल को टटोला जा रहा था, ये पता करने के लिए कि क्या सच में रश्मि चौधरी की हत्या कर दी गई थी। शैलेश, रश्मि किस चीज पर काम कर रही थी? पूरी संभावना है सर, इस रश्मि ने लक्ष्मण व्यास पे कोई स्टिंग किया था, तभी वो लोग पेंडैप के पीछे पड़े थे। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रकाश सेठ, चूड़ियों की फैक्ट्री वाले स्टिंग से बारे में कहाँ बताया था? वो तो हमें दूसरों से ही पता चला था ना। अच्छा, ये जो चोरी हुई थी पेन ड्राइव, तुमने उसकी लिस्ट बनाई है? हाँ सर, लेकिन उसमें एक भी पेन ड्राइव रश्मि का नहीं था। सर, रश्मि अपना कोई भी सामान ऑफिस में छोड़ती नहीं थी। सर, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, द परफेक्ट मर्डर, अ मिस्ट्री। क्या स्क्रिप्ट में? एक पति पूरी बारीकी से प्लान करके अपनी पत्नी को मार डालता है और दुनिया को ऐसे लगता है कि वो खुद से गायब हुई है। ये तो बिल्कुल रश्मि चौधरी के केस जैसा। सर, कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट के राइटर डायरेक्टर आशीष दास, निखिल आचार्य और उसकी गर्लफ्रेंड गायत्री, तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, अगर रश्मि मारी गई है, कारण या तो ये पैसे हैं, वो 45 लाख रुपए, या तो ये टूटी शादी जो पूरी तरीके से टूटी नहीं है। पेन ड्राइव चुराने वाले ने सोचा था कि पेन ड्राइव रश्मि की, ऐसा भी क्या ढूंढा जा रहा था उन्हें? क्या इसकी सच्चाई आसानी से सामने आती? देखिए इंस्पेक्टर राकेश, जो पूछना है जल्दी पूछिए, कहा है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। डीसीपी साहब ने फोन किया था, एक्चुअली मैं आपको समय दे रहा हूं, पूछिए क्या पूछना है बताइए। लक्ष्मण जी, आप रश्मि चौधरी को कैसे जानते हैं? देखिए, हम दोनों समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए कभी कभार मुलाकात भी हो जाती है और एक दूसरे की मदद भी हो जाती है। लेकिन अभी वो जो बाल मजदूरी के लिए काम कर रही है ना, इसके लिए बड़ी कदर करता हूँ उसकी। सर, जिस एनजीओ में रश्मि चौधरी काम करती है वहाँ हाल ही में एक चोरी हुई और वहाँ से पेन ड्राइव चुराए गए, सिर्फ पेन ड्राइव। ये तो बड़ा अजीब बात है। सर, हमारे सोर्सेज ने बताया कि पेन ड्राइव की चोरी, हमने करवाई है पेन ड्राइव की चोरी। क्या मैडम, आप भी अजीब बात करती हैं। ये 100-150 रुपए में पेन ड्राइव मिलता है और उसकी चोरी मैं करवाऊंगा, इसी के लिए आप लोग आए हैं क्या? इतना समझ नहीं है मेरे को। इसने आपके आदमी बलवीर का नाम लिया है। क्या मैडम, वही सोर्सेज की बात आप करती हैं। अरे, हमारे बहुत विरोधी हैं, तो कुछ भी कहेंगे तो उसके पीछे मैं भागता रहूं? इंटरनेट पर बहुत तरह की बातें होती हैं, तो सबका जवाब देता फिरूं क्या मैं? हैं? और रही वो पेन ड्राइव की बात, मैम, उस पेन ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूं, सीधा सवाल पूछता हूं। पूछिए। उन पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो आपके लिए खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से रश्मि चौधरी गायब हुई? देखिए, रश्मि चौधरी गायब हुई इसका बहुत दुख है हमें, और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको ढूंढ में निकालेंगे। और रही पेन ड्राइव की बात, तो पेन ड्राइव में हमारे खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता।
ऑफिस से इतना ही मिला था। लेकिन ये सब तो बेकार है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई जी शायद ये भी तो हो सकता है कि रश्मि के पास कुछ था ही नहीं, वो तुक्का लगा रही थी। वो तुक्का नहीं लगा रही, तो अब कहाँ ढूंढे, ऐसी कौन सी जगह बाकी रह गई है? ऐसा भी तो हो सकता है वो पेन ड्राइव अपने साथ ले गई हो। तो अपने साथ ले गई होगी, अब किस बात का डर है? और भाई जी आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द रश्मि चौधरी को ढूंढ निकालें। क्या है कि रोज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में छपा रहता है कि रश्मि चौधरी कहां गायब हो गई, क्या हो गया उसे, और मैं समझता हूं इसका बहुत ज्यादा दबाव होगा आप पे, समझता हूं मैं। खैर जाइए ढूंढिए उसको। नमस्कार। सर जी, भाई जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अकेले हो। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए, और किसी को पता चल भी जाती है तो मुझे ये पता चल जाएगा इसका सोर्स क्या है। नहीं अभी सर, अब बताइए रश्मि चौधरी से आपका क्या कनेक्शन है? आपके साथ महिला ऑफिसर थी, उसमें मैं आपको ये बात नहीं बता पाया। कभी कभी इस फार्म हाउस पे हम औरतें बुलाया करते हैं, और आप समझदार क्यों बुलाते हैं? सभी के सभी बालिग होती है और अपनी मर्जी से आती है, और इसके बदले में उनको अच्छी खासी रकम भी देता हूँ, वो भी कैश में, ताकि वो मुंह न खोलें। रश्मि चौधरी भी? पता नहीं रश्मि चौधरी क्या खेल खेल रहे थे। वह यूं यहाँ लाई गई किसी एक औरत ने पूरा पेमेंट लेने के बाद भी हमको धोखा दे दिया। फिर मुझे उस रश्मि चौधरी का फोन आता है। रश्मि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? लक्ष्मण जी वीडियो क्वालिटी लाइटिंग साउंड टॉप क्वालिटी का है, कोई भी बोलेगा कि आप ही हो, और जो आप कर रहे हो क्या बोलो? कौन थी वो, नाम बताओ उसका। आपको सच में लगता है मैं नाम बताऊंगी? देखो रश्मि सीधे सीधे बताओ क्या चाहती हो तुम। बड़ी हैरत होती है मुझे लक्ष्मण जी, आप मीडिया में औरतों की सेफ्टी मर्यादा वगैरह वगैरह को लेकर कितने स्टेटमेंट देते रहते हैं। वैसे तुम भी तो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हो, देखो एक मामूली ब्लैक में लड़की, और आपकी हरकतें तो अवार्ड विनिंग है ना सर जी। सुनो एक दूसरे को ताने मारने से बेहतर है कि सीधे सीधे बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें। कितना दे सकते हो लक्ष्मण जी? भाई जी ये जरूर सुनीता की हरकत हो। वो कोई भी था, एक जड़िया था बलवेश, तू ही बता कि कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है क्या? हो सकता है रश्मि ने किसी को पहले से ही पट्टी पढ़ा रखी हो। 15 लाख फिक्स हुआ था। पैसे दिए आपने? डील होने के पहले ही वो गायब हो गए, तभी तो हमने पेन ड्राइव हासिल किए थे ताकि वो किसी और के हाथ में ना लग जाए। हालांकि उस पेन ड्राइव में कुछ था नहीं, ओपन ड्राइव में आपको लौटा दूंगा। जी सर। मुझे लगता है रश्मि चौधरी मारी गई है, क्या कि जिस तरह से उसको लगता था कि मुझे ब्लैकमेल करके वो कोई जैकपॉट हासिल करेगी, उसी तरह से उसको मारने वाले का भी कोई जैकपॉट दांव पे लगा होगा, लेकिन वो आदमी मैंने। डीसीपी साहब हमने सारी बात आपके इंस्पेक्टर को साफ साफ बता दिया, इसके बाद इस केस में हमारा नाम आना ही नहीं चाहिए। सर इतना सब कुछ साफ साफ बोल रहा है, मतलब सच ही बोल रहा होगा? हर संदिग्ध यही कहता कि वो सच बोल रहा है। इसका मतलब जब मैं दीदी को कॉल कर रही थी तब दीदी। हाँ हमें ऐसे ही लग रहा है कि रश्मि का मर्डर यहाँ किया गया, बाद में उसकी बॉडी को पटना के जंगल में फेंका गया, और वो मकान मालिक जयदेव को चिट्ठी और आशुतोष और विक्रम को ईमेल्स सब फर्जी थे, किसी और ने तुम्हारी दीदी के अकाउंट से वो मेल्स भेजे होंगे। और आप लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी? सॉरी खुशबू, हमारे कोऑर्डिनेशन में कमी रही। किसने मारा मेरी दीदी को? हुआ भी पता नहीं चला, और हम कातिल को जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं बार बार कहती रही कि मेरी दीदी की जान खतरे में हो सकती है, लेकिन खुशबू मैं मानता हूँ हमारी गलती थी, पर हम शर्मिंदा,
लेकिन जिस दिन तुम हमारे पास अपनी दीदी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी, तुम्हारी दीदी रश्मि का मर्डर उससे पहले हो चुका था। इतने दिनों से मैं इस ख्याल को आने से रोकती रही, फिर भी आ ही जाता था कि कहीं दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा, और अब पता चला है कि ऐसा वाकई में हुआ था। सिर्फ संदिग्धों की लिस्ट से काम नहीं चलेगा, मुझे अरेस्ट चाहिए। सर इतना तो पक्का है, जो भी है रश्मि से जुड़ा हुआ है कोई, और मोटे भी पर्सनल लिस्ट से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो कातिल को। मैंने सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, निखिल आचार्य का नाम है इसमें। जो सर ये अभी भी हमारे रडार में है। एक्टर वैक्टर है क्या? जी सर। इसमें किसी द परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री नाम की स्क्रिप्ट का जिक्र है। सर ये फिल्म निखिल को ऑफर हुई थी। कोई टेक्निकल सबूत है जो इस मर्डर से निखिल को जोड़ता हो? सर ऐसा कोई टेक्निकल सबूत तो नहीं है हमारे पास जो इसे मर्डर से जोड़ता। फिर भी उठाओ उसे, मुझे लगता है उसी का हाथ होगा। एक क्राइम शो या मूवी देखी होगी या काम किया होगा और सोचा होगा फिल्मों में हो सकता है तो रियल लाइफ में क्यों नहीं। सर अगर इस निखिल को तोड़ना है तो उसके साथ गेम खेलना होगा। तो खेलते हैं, तो बुलवाते हैं उसी से सब कुछ। क्या रश्मि चौधरी का कत्ल वाकई में उतना परफेक्टली प्लान था जितना नजर आ रहा था? अगर निखिल का हाथ था तो उसका पता करने के लिए निखिल के इर्द गिर्द के लोगों को टटोला गया, उन्हें उकसाया गया। देखिए मैम आप मुझे डरा रही हैं। परफेक्ट मर्डर और मिस्ट्री की कहानी और निखिल की कहानी कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। देखिए मैम मुझे नहीं लगता कि निखिल मुझसे शादी करने के लिए अपनी एक्स वाइफ का मर्डर करेगा। एक्स नहीं, सेपरेटेड। यस सेपरेटेड वाइफ। वो तो तुम कहोगी, लेकिन उसके सारे इरादे और प्लानिंग स्क्रिप्ट में। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी और अपने प्लान को अंजाम दिया। देखिए आप जिस स्क्रिप्ट की बात कर रही हैं वो तो मैंने पढ़ी भी नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का हीरो दरअसल विलन कहना चाहिए? नहीं, विलन ऐसे प्लानिंग करता है कि दुनिया को लगे कि उसकी बीवी उससे कहीं भाग गई। फिक्शन है सर, टोटल काल्पनिक। पर इस फिक्शन के लिए तुमने चुना भी तो किसे? निखिल आचार्य को, जिसकी खुद की जिंदगी इस कहानी का आईना है। सर प्योर कोइंसिडेंस, महज इत्तेफाक है। और क्या हो सकता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, सच बता रहा हूँ। हमारी स्क्रिप्ट में तो वाइफ क्लास नहीं मिलती, पर रियल लाइफ में मिल जाती है। सर आप ये सोच रहे हैं कि निखिल ने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के अपनी वाइफ का मर्डर प्लान किया? इस प्लानिंग में तुम भी शामिल हो सकते। सर सर सच तो ये है कि ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ही नहीं, एक हॉलीवुड फिल्म की कहानी मैंने कॉपी किया है। और दूसरी बात ये सर कि जब मैंने स्टोरी निखिल को बताई तो मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आइडिया था कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा। सच निखिल ने तुम्हारी इस हॉलीवुड की कहानी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। सर आप मेरी बात का बिलीव करो, सच बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। और मुझे क्या पता था सर कि कोई मेरी स्टोरी पढ़ के अपनी वाइफ का मर्डर प्लान करेगा। अब तो गायत्री को भी तुम बेशक है। डायरेक्टर आशीष को भी लगता है कि तुमने इसकी स्क्रिप्ट चुराई ताकि तुम सच में अपनी वाइफ का मर्डर कर सको। रश्मि के बारे में सुन के मुझे दुख है, और उतना ही दुख इस बात का है कि मेरा नाम मीडिया में उछला है, और इस बात का मेरे करियर पे कितना बुरा असर हुआ है आप लोगों को आइडिया भी है? करियर की इतनी फिक्र होती ना तो मर्डर का रास्ता कभी ना चुनते। ये तुम्हारे अकेले का काम नहीं है, अपने साथियों के नाम बताओ। किसी ने मुझे क्राइम स्टोरी सुनाई और इत्तेफाक से रश्मि के साथ ऐसा हुआ, तो आप लोगों ने दो और दो चार जोड़ लिए। आप लोगों को एहसास भी है कि आप लोग स्क्रिप्ट राइटर बन गए हो। लाश को पटना कैसे ले जाया गया? तो मकान मालिक यादव भल्ला वो भी शामिल है। देखिए सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, और रश्मि न जाने कितने पंगों में इन्वॉल्व थी। मुझे डिवोर्स ना देना, मकान मालिक का घर ना छोड़ना, न जाने कितने स्टिंग, कितने ब्लैकमेल्स, मतलब उसके कत्ल के दर्जनों कारण हो सकते हैं। परफेक्ट मर्डर अ मिस्ट्री, उसका किरदार अजय भी ऐसे हालात पैदा करता है ताकि दुनिया को ये लगे कि उसकी बीवी के भागने के दर्जनों कारण हो सकते हैं। मैं उस वक्त लखनऊ में था ही नहीं। आपने मेरे फोन रिकॉर्ड चेक किए होंगे, एयरपोर्ट और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए होंगे। किरदार अजय की तरह तुम्हारी प्लानिंग भी काबिले तारीफ है। लैंडलाइन एसडी उसकी किराए के हथियारों से बात करने के लिए लखनऊ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुंबई में बैठे बैठे सारी प्लानिंग हो गई और यहाँ काम हो गया। अब चुपचाप अपने साथियों के नाम बताओ। अरे कोई साथीदार नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ और अकेला गया था मुंबई। चार साल घिस घिस कर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। जिससे प्यार हुआ है लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। बस रश्मि रास्ते का काटा थी। हाँ थी, लेकिन वो मेरी वाइफ भी थी, उससे कभी प्यार भी किया था मैंने, अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस करके मेरा जीना हराम कर रखी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका कत्ल करवा दूंगा या कर दूंगा। रश्मि अब रही नहीं, पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा मुझे दुख है इस बात का कि उसका कत्ल हो गया। निखिल याद रखना, परफेक्ट क्राइम और परफेक्ट मर्डर एक मिथ्या है, हर जुर्म मुजरिम पर पलट के वार करने आता। ये डायलॉग मैंने कई बार सुना है और कई बार बोला भी है, लेकिन मैं जो आपको भूलने जा रहा हूं ना
ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही बोला, और आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ उन लोगों को टटोल रहे हैं जिनका मसला रश्मि के साथ था। आपकी नजर वहां गई नहीं जहां कोई मसला नहीं था। क्या कहना चाहते, साफ साफ बोलो। खुशबू, रश्मि की प्यारी बहन खुशबू चौधरी, कत्ल हुआ, लाश ठिकाने लगी, उसके चार दिन बाद मैडम खुशबू आप लोगों के पास आती हैं और चारों दिशाओं में फायर करती हैं, मेरी तरफ, जयदेव जी की तरफ, एडवोकेट आशुतोष की तरफ, उसके एनजीओ के बॉस विक्रम की तरफ, स्टिंग ऑपरेशन की तरफ, और फिर ये सभी एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, पर मैडम खुशबू वो आपकी रडार से पूरी तरह बाहर रहती है। तो तुम ये कह रहे हो कि इस खुशबू और रश्मि के बीच कोई छुपा हुआ मसला था? या ये एंगल तुम्हारी स्क्रिप्ट की उपज है? यही एक एंगल है जो स्क्रिप्ट में नहीं है इंस्पेक्टर। स्क्रिप्ट में नहीं है तो क्या नया एंगल जोड़ रहा है? अब खुशबू को भी पुलिस स्कैनर से बख्शा नहीं गया। क्या खुशबू और रश्मि के बीच वाकई कोई मसला था जो उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था? खुशबू ने जब अपनी बहन की खोज शुरू की थी, पुलिस ने उस समय के उसके पद से नापना शुरू कर दिया। अब पुलिस खोज रही थी वो मिसिंग कड़ी जो शायद खुशबू को इस जुर्म से जोड़ने वाली थी। ये नई खोज पुलिस को दोबारा से एनजीओ के मालिक विक्रम सहगल से रश्मि के वकील आशुतोष राय तक ले गई, और घूम फिर कर पुलिस फिर से मकान मालिक जयदेव भल्ला तक पहुंची। शक की सुई घूमती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और कातिल का नाम सामने नहीं आ रहा था। इतने सारे संदिग्ध, कुछ बड़े जाहिर से मकसद, लेकिन फिर भी इस मर्डर केस के मुजरिम की कोई खबर नहीं। क्या यह वाकई में एक परफेक्ट मर्डर था? इस जुर्म को अंजाम देने वाला दिमाग इस जुर्म को सुलझाने वाले दिमागों को मात दे गया था, और यह केस अनसुलझा रह गया। उन कई केसेस की तरह जहां काफी बारीकी की तहकीकात और पूछताछ के बावजूद मुजरिम हाथ नहीं लगता, लेकिन कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो परफेक्ट मर्डर होता है। इंस्पेक्टर राकेश अधिकारी। जय हिंद सर। सब इंस्पेक्टर मोहित यादव बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। कैसे मोहित? सर मैं एक केस हैंडल कर रहा था जिसमें मुझे कनेक्शन मिला और एक केस का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला वो केस तो आपका था, वो रश्मि चौधरी मर्डर केस। क्या बात, पूरे एक साल बाद हम फिर से केस फाइल खोलेंगे। लीड क्या है? दरअसल मैंने दो हिस्ट्री शीटर्स को उठाया था सर, उनकी तुड़ाई करने ही वाला था, तब मुंह खोला उन लोगों ने। साहब हम लोग उस कांड में शामिल नहीं थे, आप हमें गलत केस में उठा लाए हो सर। अब उठा लाया हूं तो यहां से आराम से हाथ हिलाते हुए तो जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को। बताओ ऐसा कौन सा कांड किया तुम दोनों ने जो अभी तक हमारी रडार में नहीं आया? हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई कांड नहीं किया था, हम लोग तो खुद का कुछ कानून शुरू करने के चक्कर में। राजू मयंक, तुम दोनों सच बोलोगे तो रात को सोने को मिलेगा, सुबह उठोगे दुनिया बुरी नहीं लगेगी, और अगर झूठ बोलोगे तो तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा। सर वो एक साल पहले एक काम मिला था। मर्डर? नहीं सर, एक मकान से सामान खाली करवाना था। तो मतलब ये कानूनी काम शुरू करने वाले थे तुम दोनों, मूवर्स और पैकर्स? नहीं साहब, सच में हम लोगों ने काम किया था, उसके तगड़े पैसे भी मिले थे हम लोगों को। कहाँ किया था? गिरधर नगर में साहब, मकान नंबर 12। मकान किसका था डिटेल दो। हमें पता नहीं है साहब, हमें तो पैसे मिले और हमने काम कर दिया। मुझे झूठ से ज्यादा नफरत आधे सच से है, सच बोलो कांड क्या था? साहब यही सच है, हम लोगों को नहीं पता कांड क्या था। साहब हम लोग अंदर गए तो मकान खाली था, हमने सामान लिया और गाड़ी में रखा और चल दिया। मकान की चाबी और पैसा किसने दिया तुम्हें? उन लोगों ने रश्मि चौधरी का घर 19 जुलाई की रात 20 जुलाई की सुबह खाली किया था, और 20 की सुबह को ही मकान मालिक जयदेव भल्ला को रश्मि की चिट्ठी और लिफाफे में मकान की चाबी मिली, और अंदर से मकान पूरा साफ। तो मोहित, इस राजू और मयंक को यह काम सौंपा किसने था?
आफ्टरनून आशुतोष। गुड आफ्टरनून। बैठिए। आखिरकार आपने अपना ऑफिस ले लिया? कोई बढ़िया वाला? हाँ, काम काफी बढ़ गया पिछले एक साल में, काफी नए क्लाइंट्स मिले। हाँ, क्लाइंट्स काफी तरक्की लाते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां होते हैं क्लाइंट्स, जैसे कि रश्मि चौधरी। क्लाइंट थी आप, याद है? बात क्या इंस्पेक्टर? बात 45 लाख के वकील साहब, वही 45 लाख जो जयदेव भल्ला ने वाकई विक्रम को दी, और विक्रम ने तुम्हारी क्लाइंट रश्मि को दी, और रश्मि के कातिल ने रश्मि का कत्ल किया और 45 लाख खुद रख ली। ऐसे कैसे? मतलब कौन है? राजू है, मैं क्रिमिनल्स है। किसी जमाने में तुमने उनकी जमानत करवाई थी, तुम्हें तो याद भी नहीं हो। हाँ याद है मुझे, क्या हुआ उन्हें? पकड़े गए, सब बोल दिया। मैडम ऐसे कैसे अचानक टिकट कटाकर लखनऊ आ जाओ, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे बहन के कातिलों का खुलासा होने वाला है। इससे पहले कि पुलिस आशुतोष राय को उठाने पहुंचती, उन्होंने उस कनेक्शन और उस चाबी को उठा लिया था जो आशुतोष को केस के साथ साफ साफ जोड़ रही थी। लेकिन क्या आशुतोष ने ही मर्डर किया था, या माजरा कुछ और ही था जो इस केस की अनसुलझी कड़ी थी? इंस्पेक्टर साहब, सर, कुछ तो बोलेंगे भी आप। बोला तो आपका जयदेव जी, लिफाफे के अंदर जो चाबी थी, चिट्ठी थी, उनके बारे में। बैठे आराम से, नाश्ता पानी करिए, तब तक हम बाकी कड़ियां लेकर आ रहे हैं, आप कहानी पूरी कर। शैलेश शर्मा, चलो तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो। क्या हुआ मैम, क्या बात है? रश्मि चौधरी मर्डर केस में एक ब्रेक थ्रू मिला है विक्रम जी। चाबी किसने दी थी? बर्फ। आज के आज करना है, लैपटॉप मेरे हवाले करना, बाकी सारा सामान कहीं जला दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करना करो, लेकिन यहाँ लखनऊ में नहीं। शैलेश, 2 महीने पहले तुमने 8 लाख में फ्लैट लिया, 5 लाख का लोन था, लेकिन फ्लैट की मार्केट वैल्यू है 15 लाख, बाकी के 7 लाख शायद ब्लैक दिए होंगे। शैलेश, मयंक और राजू ने तेरे तक की कहानी बता दी, अब तुझे आगे की कहानी बतानी, तू शुरू हो जा वरना हम शुरू हो जाएंगे। मुझे 10 लाख मिले थे और राजू और मयंक को 50-50 हजार मिले। तुझे 10 लाख, उनको 50-50 हजार, 11 लाख, राजू की 34 लाख। 34 लाख किस किस में बटे? सर कौन कौन शामिल थे मुझे नहीं पता, पर मुझे पैसे वकील आशुतोष राय ने दिए थे। हमने इस केस की सारी कड़ियां जोड़ी सिवाय से एक कड़ी के, शैलेश शर्मा जो रश्मि चौधरी के ऑफिस में काम करता था, उसे भी रडार में लाते तुम तक एक साल पहले ही पहुंच जाते। एक साल से एक केस अनसुलझा रहा है इंस्पेक्टर, कितना जरूरी है कि वापस इस फाइल को दोबारा खोला जाए। हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर बात होगी, लेकिन रश्मि चौधरी के कत्ल को लेकर, कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग शामिल थे? 60 लाख? 60 लाख? अरे बड़ी मुश्किल से 60 पर मान गई है। देखो तुम दोनों जानते हो ये केस तो मैं ही जीतूंगा, सिर्फ मेरा टाइम का नुकसान हो रहा है। इस केस की वजह से मेरे मौजूदा बिल्डर की दिलचस्पी जा सकती है, कुछ तो उपाय निकालो भाई, सबकी लाइफ खराब हो रही है। देखिए जयदेव जी, मेरे साथ तो 60 के नीचे नहीं जाएगी, और आपके साथ तो 1 करोड़ के नीचे नहीं आएगी। उसका बॉस है विक्रम, रश्मि उसे बहुत मानती है, आप अलग से मिलिए उसको, अपनी प्रॉब्लम समझाइए, अच्छा समझदार आदमी है, वो मना लेगा रश्मि को। इसमें आप भी ना जयदेव जी, आप भी तो समझदारी दिखाइए थोड़ा। तो प्लान यही था कि जैसे ही रश्मि को 45 लाख मिलेंगे तुम उसे मार डालोगे और सारे पैसे खुद रख लोगे। आशुतोष। हाँ इंस्पेक्टर, यही प्लान था और ऐसा ही हुआ। मैं छोटे मोटे केसेस लड़कर थक चुका था, हाथ में कुछ बचता ही नहीं था, और तुम्हें यहाँ जैकपॉट दिखा। बिल्कुल, देखिए समझौता कितने में भी होता मुझे तो 10% ही मिलने वाला था, वो भी रश्मि देती या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तुमने विक्रम के थ्रू डील करवाने की सलाह दी यादव भल्ला को, क्यों?
ताकि अगर कभी कोई कुछ गड़बड़ हो तो वो भी शक के दायरे में आए। मैं अपनी तरफ से क्लीन बना रहा। मैंने विक्रम के ऑफिस से शैलेश को भी खरीद लिया। पर विक्रम ने मना लिया रश्मि को? हाँ मना लिया 45 में। ये रहे तुम्हारे 45 लाख, गिन लो। विक्रम, मेरे वकील आशुतोष से ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पे। वो तो मुझे 25 पे सेटल करने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से कम इतने तो मिले मुझे। आशुतोष जी, रश्मि को विक्रम जी ने पूरे 45 लाख कैश पकड़ा दिए। और मकान खाली कब कर रही है? कह तो रही थी कि जल्दी करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरा घर मिलने के पहले ये घर खाली करेगी। गुड। केस क्लोज करने की नॉर्मल सी बात कर रहे थे। पहले रश्मि को थोड़ा शक सा हुआ कि मैं शैलेश को साथ क्यों ले आया था। मैंने बात टाल दी और मौके का इंतजार किया। उसे तो खैर भनक तक नहीं थी कि क्या होने जा रहा है। मैं लाश को पटना ले गया और पीछे से शैलेश ने मकान साफ करवाया। शैलेश ने रश्मि के लैपटॉप से उसी के ईमेल एड्रेस से वो दो ईमेल्स भेजे, एक मुझे एक विक्रम को। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच बता दिया। तुम्हारी वाइफ को मालूम है तुमने यह नया ऑफिस कैसे खरीदा? सर क्यों एक बेचारी औरत का दिल और भरोसा तोड़ना चाहते? कहिए क्या कीमत लेंगे इस केस को सेटल करने की? काफी शातिर तरीके से प्लानिंग की थी आशुतोष ने। जब जयदेव अंकल ने कहा था कि लिफाफा छोड़ा एक चिट्ठी और चाबी के साथ, मैंने तब के तब कहा था दीदी के साथ कुछ गलत हुआ होगा। और इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा अपना एम्प्लॉई शैलेश। हाँ, ताकि शक तुम पर जाए, डील तुमने करवाई थी। सर मुझे लगता है ये जयदेव अंकल शायद पहले से सब कुछ जानते थे। खुशबू, हम तहकीकात कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया। अब अगर आशुतोष कोई गेम खेलता है, यदि भल्ला का नाम लेता भी है, तब भी सबूत की जरूरत तो पड़ेगी। विक्रम जी, मुझे नहीं लगता कि दीदी ऐसी थी। ये ऐसे पैसों के पीछे ये गलत है, ये झूठ है, ताकि दीदी को विलेन दिखा सके, ये पूरा केस उलझाने के लिए। ये तो मैं भी नहीं मान सकता कि रश्मि स्टिंग ऑपरेशन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया करते, चाहे वो प्रकाश सेठ की चूड़ियों की फैक्ट्री हो या उस लक्ष्मण कॉर्पोरेटर वाला स्टिंग। अगर उसके हाथ में कुछ भी ठोस लगता ना तो सबसे पहले मुझे बताती। पता है, मुझे हमेशा से ये डर था कि एक ना एक दिन दीदी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। और एक्सक्यूज मी। ओके। हाँ निखिल। खुशबू, मुझे पता चल गया है कि रश्मि का असली गुनहगार कौन है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन जब उससे बात नहीं हो पा रही थी तो सबसे पहले तुमने मुझे फोन किया था, तो अब क्यों नहीं? जस्ट शट अप निखिल, तुम तो चाहते थे मेरी दीदी को रास्ते से हटाना, किसी और ने हटा दिया। तुमसे ज्यादा खुश कोई और नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है खुशबू, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी दीदी से मैंने कभी प्यार भी किया था, सच्चा प्यार। और एक बार दिल से किसी को चाहो ना तो उसके बारे में इतना गलत कभी नहीं सोच सकते हो, कभी नहीं। आशुतोष राय और शैलेश शर्मा पर रश्मि चौधरी के मर्डर का चार्ज लगा है और साथ ही सबूत मिटाने का चार्ज भी लगाया गया है। इस बात की तहकीकात चल रही है कि क्या जयदेव भल्ला रश्मि के कत्ल के बारे में जानता था और उसने ये बात पुलिस से छुपाई थी। पैसा लोगों से कुछ भी करवा सकता है, जो कल्पना के बाहर हो, सोच के बाहर हो, वो भी करवा सकता है। और ये बात शायद सच है, लेकिन ये भी सच है कि जुर्म के जरिए हासिल किया गया धन आखिरकार मुजरिम के सुख चैन को खरीद लेता है। जुर्म की प्लानिंग के वक्त, उसे अंजाम देने के बाद, पैसा हाथ लगने के बाद मुजरिम को यह महसूस होता होगा कि उसके जीवन में एक जैकपॉट लग रहा है या लग गया है। लेकिन गलत तरीके से लगा जैकपॉट कभी ना कभी कानून को मुजरिम के दरवाजे तक पहुंचा ही देता है। ये कोई पहला केस नहीं है जहां मर्डर इन्वेस्टिगेशन काफी वक्त तक अनसुलझी रही, जिसका ब्रेक थ्रू पूरे एक साल बाद मिला और मुजरिम रोशनी में लाए गए। कुछ केसेस में तो और भी समय लगता है,
कभी 10 साल तो कभी 20 साल तो कभी उससे भी ज्यादा समय, लेकिन केस हल तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है? कर्मा की थ्योरी, नियति का लिखा, या फिर महज एक इत्तफाक कि मुजरिम पकड़ा ही जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।